नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। क्या आप जानते हैं कि विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत की थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उस शिकायत के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बकौल विनेश फोगाट, उनके समर्थकों ने उन्हें धमकाया था। यह तमाम जानकारी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और आज मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि किस तरह से विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के खिलाफ एक बहुत ही गंदा, घटिया और अश्लील प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र चला रहा है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद क्या कहा था आपके स्क्रीन्स पर। दैनिक भास्कर की एक खबर कहती है, टोक्यो ओलंपिक से लौटकर आए प्रधानमंत्री को बताई थी आप बीती। मीडिया से बातचीत में विनेश ने कहा कि 2021 में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात बताई थी। मैंने उस समय उन्हें इतना खुलकर नहीं बताया था क्योंकि मैं खुद टोक्यो ओलंपिक से वापस आई थी। मैं इतना टॉर्चर्ड थी कि मैंने इशारे इशारे में उन्हें अपनी बात बताने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हमें और हमारी फैमिली को मारने तक की धमकी मिल रही है, लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, हर तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे हैं इधर, आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से गेम खेलिए। दोस्तों, यह आश्वासन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और कहें कि विनेश फोगाट का यह दावा सही है या गलत है। गलत है तो प्रधानमंत्री को सामने आकर कहना चाहिए कि विनेश फोगाट झूठ बोल रही है। सही है तो प्रधानमंत्री को यह बतलाना चाहिए कि उस पर कार्रवाई क्या हुई। उल्टा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ दोस्तों। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात आप खेल मंत्री से कीजिए, मगर खेल मंत्री को जैसे ही यह बात पहुंची, यह बात बकौल विनेश फोगाट ब्रजभूषण शरण सिंह को भी पहुंच गई। क्या कहती है इसमें विनेश फोगाट, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खेल मंत्री से जो शिकायतें की, 24 घंटे में ब्रजभूषण तक पहुंच गई। विनेश ने कहा कि इसके बाद भी ब्रजभूषण की हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुझे खेल मंत्री से मिलने को बोला था। मैंने खेल मंत्री से मुलाकात की और उन्हें सारी बातें बताई। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, जो बात मैंने खेल मंत्री को बताई थी वो एक एक करके ब्रजभूषण को पता चल गई। ये बात उन्होंने या उनके ऑफिस वालों ने ब्रजभूषण को बताई ये मुझे नहीं पता, लेकिन 24 घंटे के भीतर सारी बात ब्रजभूषण को पता लग गई। इसके बाद मेरे पति को फोन आ गए थे कि आपने ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को कहा। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं दोस्तों। उसके बाद इन्हें इस तरह से टॉर्चर किया गया कि बकौल विनेश फोगाट हमें आत्महत्या करने का मन हुआ। वो क्या कहती है इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों। विनेश ने कहा कि हमें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आपको तो हम देखते हैं, ऐसा थोड़ना छोड़ देंगे, मरवा देंगे। नेशनल कैंप में आते हो, लखनऊ बाय रोड आते हो, वहां कोई हादसा हो जाएगा। उस समय ये बातें बोली जा रही थीं। उस टाइम हमें इतना परेशान किया गया कि हम खुद से मर जाएं, सुसाइड कर लें। विनेश ने कहा कि मैं तो सब कुछ बोल दूंगी तो ये लोग उसी टाइम ब्रजभूषण को बताएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। अफसोस की बात है दोस्तों, इनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनी जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई थी और उसमें बाकायदा फिजियोथेरेपिस्ट ने जो बातें बताई हैं ना, वो होश उड़ा देने वाली हैं। मैं आज आपको एक बात बतला रहा हूं दोस्तों, बाकायदा एक पूरा प्रचार किया जा रहा है टारगेट करने के लिए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उन तमाम महिला खिलाड़ियों को जिन्हें कथित तौर पर यातना दी गई।
सबसे पहले मैं चाहूंगा आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिएगा दो खिलाड़ी हैं और वो किस तरह से रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं दोस्तों। मैंने इन दोनों की पहचान छिपा दी है, मगर आप देखिएगा किस तरह से दोनों रट्टा मार रहे हैं आपके स्क्रीन पर। हम इतने सालों से कुश्ती लड़ रहे हैं, परंतु आज तक किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हम इन बेबुनियाद बातों की कठोर निंदा करते हैं और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप भी इन बेबुनियाद बातों की कठोर निंदा करें। अब बताइए इस चीज को कौन गंभीरता से लेगा, बताइए। उन्हें आपने रटवा दिया अपनी बात कहने के लिए, मजाक बना रहे हैं आप। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी सदस्य और ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले योगेश्वर दत्त का बयान सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा ANI ने उनका यह बयान दिया है, मगर ANI ने यहां पर कहीं नहीं बताया है कि योगेश्वर दत्त जो हैं वो भाजपा के सदस्य हैं। योगेश्वर दत्त इसमें क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई करेगी अगर आप उन्हें रिपोर्ट करोगे। वो खुद ब खुद कार्रवाई नहीं करेंगे अगर आप घर में बैठे रहेंगे। तमाम जो पहलवान थे उन्हें आज से कई महीने पहले पुलिस को शिकायत कर देनी चाहिए थी। अरे योगेश्वर दत्त जी, सबसे पहले तो यकीनन आप इस देश की आन बान और शान हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिस में शिकायत कर देनी चाहिए थी, क्या आप ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही FIR दर्ज हुआ है और दो FIR दर्ज हुए हैं, एक पॉक्सो के अंतर्गत। क्या आप जानते हैं कि पॉक्सो के अंतर्गत जैसे ही FIR दर्ज होता है तुरंत गिरफ्तारी होती है। अब आप खिलाड़ियों को यह नसीहत दे रहे हैं कि आपको पहले ही शिकायत कर देनी चाहिए थी, कैसे करते, उनकी बात कौन सुन रहा था दोस्तों। बाकायदा भाजपा का प्रचार तंत्र है इसी तरह से प्रचार कर रहा है। मसलन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर, यह है दिव्या काकरन। दिव्या काकरन भी कह रही हैं अपने इस बयान में कि किस तरह से उनकी राह में कोई मुश्किलें नहीं आई, ये सब झूठ है, मैं तो आसानी से अपना काम कर रही थी। मगर प्रचार तंत्र ये बताना भूल गया कि दिव्या काकरन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हैं। या तो आप नाबालिग खिलाड़ियों को रट्टा लगवाते हैं वो अपनी बात कहते हैं, या भाजपा के सदस्य योगेश्वर दत्त को सामने रखते हैं, हाँ, या फिर आप दिव्या काकरन को सामने रखते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा किया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन चेहरों को देखिए, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा। अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा ये दोनों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये दोनों खिलाड़ियों के पक्ष में सामने आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी समर्थन में बात कर रहे हैं और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जिन्होंने कई बड़े बड़े मुकाबलों में भारत का नाम रोशन किया है, जब वो पिछली बार इन खिलाड़ियों के पास आना चाहते थे तब खिलाड़ियों ने इन्हें मना कर दिया था ये कहकर कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इस बार इन्होंने कहा है कि भाई तमाम राजनीतिक दल आ सकते हैं क्योंकि बीजेपी सुन नहीं रही है, बीजेपी सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए उन्हें मजबूर होना पड़ा तमाम राजनीतिक दलों को निमंत्रण देने का। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बेशक उनके खिलाफ दो FIR दर्ज हो गई हैं, एक पॉक्सो के अंतर्गत नाबालिग के साथ यातना के मामले में, मगर वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, वो कह रहे हैं मैं बदस्तूर बना रहूंगा। और प्रधानमंत्री खामोश हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोल तो रहे हैं मगर हमें यह नहीं बतला रहे हैं कि उनकी जो रिपोर्ट आई थी, निगरानी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहीं पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट और जो तमाम खिलाड़ियों ने अपने बयान दर्ज किए या फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने बयान दर्ज किए उसका जिक्र क्यों नहीं है। आज मैं आपको फिर से बतलाने वाला हूं दोस्तों कि इंडियन एक्सप्रेस ने दरअसल अपनी पड़ताल में क्या किया था जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। दोस्तों एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले मैं देखूंगा इसका जो अनुवाद किया गया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट वो क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। महिला पहलवानों को रात में बुलाता था बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह,
भारतीय महिला पहलवानों के यौन शोषण की कहानियां दर्दनाक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से बताया गया है कि लखनऊ कैंप से लड़कियों को रात में ब्रिजभूषण शरण सिंह बुलवाता था। उसके लोग और ड्राइवर कैंप में रात को आते थे और लड़कियों पर दबाव डालकर उन्हें ले जाया जाता था। बीजेपी के इस बाहुबली सांसद ने सत्ता का पूरा मजा लूटा, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने कहा था। अब यह किस फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा दोस्तों, यह भी मैं आपको बतलाने वाला हूं। जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने कहा कि लड़कियां अपने सीनियर खिलाड़ियों को इस यौन शोषण के बारे में बताते हुए बहुत रोई थी। परमजीत ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन महिला कोच कुलदीप मलिक को इन सारी बातों की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रिजभूषण और कुलदीप मलिक का पक्ष जानने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इस पर कोई जानकारी या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परमजीत मलिक आगे क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस शख्स पर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। परमजीत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि फरवरी 2023 में वो ब्रजभूषण के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति के सामने दो बार पेश हुए थे, पहली बार व्यक्तिगत रूप से और दूसरी बार वीडियो कॉल में। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2014 की घटना की जानकारी जांच समिति को दी थी। बता दें, खेल मंत्रालय ने सोमवार को जांच समिति के जिन प्रमुख निष्कर्ष या नतीजों को देश के सामने रखा, वो ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर चुप है और सिर्फ कुश्ती महासंघ के अंदर की खामियों का जिक्र है। यानी कि जो निगरानी की समिति की रिपोर्ट सामने उभर कर आती है, उसमें मलिक साहब के बयानात का जिक्र तक नहीं है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का जिक्र तक नहीं है। और फिर ये लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम उन तमाम लोगों का विश्वास करें, योगेश्वर दत्त साहब का विश्वास करें कि भाई इंतजार तो कर लो, इंतजार ही तो कर रहे हैं। दुख की बात यह है योगेश्वर जी की गलत बयानी आप कर रहे हैं, और वो गलत बयानी ये कि खिलाड़ियों को पहले FIR दर्ज करनी चाहिए थी, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। मान्यवर, वो तो भला हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का, जिन्होंने मामले में दखल दिया और मामले में अब जाकर FIR दर्ज हुई है, मगर अब भी ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं, वो पूरी तड़ी में हैं, पूरे अंदाज में हैं कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। ये तमाम सवालात हैं जिनसे सवाल किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री, आपने 100वीं मन की बात की है, देखिए किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया सुन रहे हैं, मंच की तरफ देख रहे हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भैया रेडियो में मन की बात आता है तो आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। आपने मन की बात की, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खिलाड़ियों के दिल की बात आप सुनेंगे? यह सवाल है, क्या आप खिलाड़ियों के दिल की बात सुनेंगे? क्या आप में हिम्मत होगी इस मुद्दे पर पक्षपात से परे कार्रवाई करने की? आप अगले 10 दिन तक कर्नाटक में हैं, वहीं से आप चुनावी सभाएं कर रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक घंटे के लिए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को नहीं बुलवा सकते थे? क्योंकि आपने तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद विनेश से मुलाकात की थी ना। ऐसे में इन तमाम सवालात के जवाब दिए जाने बाकी हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह का पक्ष साफ है, वो इसके पीछे सिर्फ राजनीति देखते हैं। वो हमला इस शख्स पर कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बकौल ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये सिर्फ एक अखाड़ा कर रहा है, एक कुश्ती संघ कर रहा है और उसके अलावा कोई नहीं। ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो उसी से जुड़े हुए हैं, मगर ये मामला 2014 से है। परमजीत मलिक जैसे फिजियोथेरेपिस्ट सामने आ रहे हैं, बात रख रहे हैं, आपने FIR तक दर्ज नहीं की, जिससे पता चलता है कि यह प्रक्रिया जो है किस तरह से एक तरफा है, इसमें खुलकर पक्षपात किया जा रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस्तीफा नहीं देंगे? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह मामला ही गलत है, जब आप कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं?
जब आप कदम ही नहीं उठा रहे हैं और कदम उठा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद, तो आप पर विश्वास कैसे किया जाए? इसीलिए प्रधानमंत्री, आपकी खामोशी चिंताजनक है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 10 दिन जो आप कर्नाटक में हैं और आप लगातार अपने तेवरों में कर्नाटक की भूमि से जब ये बात कहेंगे तो उसी जमीन से आप इन खिलाड़ियों की बात भी करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।